तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वैशाली में हैं और वैशाली में हम आप लोगों को दिखाएंगे बौद्ध धर्म का एक ऐसा मंदिर जिसको शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से है प्रवेश द्वार, मतलब कि मेन गेट, और यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे और जाएंगे उस मंदिर के पास और आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू कैसा है। ठीक है, बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा पार्क है, ठीक है, हर चीज खास है, तो ये बंद है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। यहाँ पर होटल वैशाली है, इसमें आप लोग ठहर सकते हैं, फिर घूमने आए तो देखिए यहाँ पर होटल वैशाली जिंदगी। होटल बुद्ध है इंपीरियल, यहाँ पर भी आप शॉट लेते हैं। यहाँ पर आप जगह चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छा अच्छा पार्क है, होटल है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। यहाँ से हम लोग मंदिर की तरफ प्रवेश कर चुके हैं और बहुत ही जल्द हम लोग मंदिर के पास पहुंचेंगे। तब तक आप लोग देखिए यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं उसका लुक चाहिए, और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी है, शायद आप करीब से देखें तो समझ जाए। ये रहा हनुमान जी का मंदिर, हम लोग और यहाँ हमेशा हर वक्त हजारों की संख्या में दर्शकों की भीड़ आती है, सैलाबियों की संख्या हजारों में रहती है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं दुकानें कितनी अच्छी अच्छी है, कितने अच्छे अच्छे दुकान है जो यहाँ पर सामान बिक रही है, कितने सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग शांति स्तूप के पास पहुंच चुके हैं और हम बाइक को पार्क करेंगे और जाएंगे अंदर। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग चैनल में बने रहिए हम लोग के साथ। यहाँ पर हम अपना बाइक पार्क किए हुए हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। ठीक है, राहुल और अर्जुन अंदर जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हुए आ रहे हैं। लग तो ऐसा रहा जैसे कि दोनों फाइट के लिए जा रहे हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है। तो फिलहाल हम लोग मेन गेट के पास आ गए हैं, यहाँ से हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इसके अंदर कैसा क्या क्या है और कैसा कैसा है। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ बने रहे ताकि आप लोगों को पूरी अपडेट मिल सके, पूरी जानकारी मिल सके। तो आप देख सकते हैं मेरा दोस्त राहुल आ रहा है और इसके पीछे आएंगे अर्जुन। तो देखिए अर्जुन अपनी फ़ोन चलाते हुए आ रहे हैं, वो भी शायद वीडियो कर रहे हैं। देखिए इनके चेहरे के स्माइल को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही खुश हो यहाँ पर आकर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। खैर, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे लोग भ्रमण के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग अंदर उससे बाहर निकल रहे हैं। और हम लोग अब शांति स्तूप के सामने पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है वर्ल्ड पीस पैगोडा, इसको इंग्लिश में हिंदी में सपूत स्तूप कहते हैं।
यहाँ से हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है, बट यहाँ पर थोड़ा मेंटेनेंस की अभाव है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सफाई कर दिया जाता और यहाँ पर जो छोटे छोटे चबूतरा है उसको बना दिया जाता तो कुछ अच्छा होता। देख सकते हैं अंदर बहुत सारे घास उग गए हैं, जंगल झाड़ी जैसे हो गए हैं, तो इसको थोड़ा स्वच्छता की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए तो जगह और भी रमणीय दिखने लगेगा और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। यहाँ पर बहुत सारे व्यवस्था किए गए हैं बच्चों के जिम के लिए, बच्चों के पुशअप, बच्चों को फिसलने के लिए, खेलने के लिए। देखिए यहाँ बच्ची आ रही है खाते हुए खेलते हुए, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं सामने, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग घूम रहे हैं वहाँ पर मंदिर के सामने। यहाँ कुछ कपल्स लोग भी आए हुए हैं जो कि अपना एंजॉय कर रहे हैं लोग। बगल में आप लोगों को पेयजल का एक टंकी दिख रहा होगा। यहाँ चबूतरा बहुत सारे हैं जहाँ पर लोग बैठकर अपना बातें करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, रेस्ट करते हैं घूमने के बाद। बहुत सारे लोग तो अपना लंच वगैरह लाकर यहीं पर लंच भी करते हैं। हम लोग मंदिर के जस्ट ठीक सामने पहुँच चुके हैं और मंदिर के ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया है जहाँ पर लोग बैठकर अपना फ़ोटो निकाल रहे हैं और अब विश्राम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक कैमरा वाले भैया हैं जो कि यहाँ पर लोगों का फ़ोटो निकालते हैं, उनके हाथों में गिटार है और चश्मा भी लिए हुए हैं जो कि लोगों को देकर अच्छा अच्छा स्टाइलिश फ़ोटो निकालते हैं। और देखिए यहाँ बहुत सारे लोग फ़ोटो निकाल रहे हैं, तो कुछ लोग ऊपर चढ़ रहे हैं तो कुछ लोग उतर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंदिर के ठीक सामने दो शेर बैठाए गए हैं, लग तो ऐसा रहा जैसे कि इस मंदिर के सुरक्षा के लिए बैठाए गए हों। पीले सुनहरे रंगों से रंगे हुए हैं ये शेर। और हम लोग इस मंदिर के चारों तरफ नीचे जो फाउंडेशन है वहाँ पर घूम रहे हैं लोग। इस फाउंडेशन के नीचे आप जो घूमने का जो जगह है उसके हर कॉर्नर पे आप लोग देख सकते हैं एक बैठने के लिए बनाया गया है पड़ाव। और बहुत सारे लोग घूम भी रहे हैं इस नीचे वाले फाउंडेशन में, नीचे वाले जगह पे। देखिए सामने जो पड़ाव बनाया गया है वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर बैठकर भी लोग फ़ोटो ले रहे हैं। इस तरह के बैठने वाले स्थान पड़ाव आप लोगों को हर कॉर्नर पर मिल जाएंगे, यानी हर चार कॉर्नर पे चार पड़ाव बनाए गए हैं। यहाँ पर पीछे भी कुछ लोग फ़ोटो ले रहे हैं, कुछ दोस्त लोग हैं जो अपना एंजॉय कर रहे हैं लोग, फ़ोटो ले रहे हैं लोग। अब हम लोग पूरे इस मंदिर का एक चक्कर लगाकर फिर से मेन गेट के पास पहुंचने वाले हैं जहां पर सीढ़ी बनाई गई है और हम लोग वहां से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर लोग फ़ोटो ले रहे हैं अपना। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नीचे बहुत सारे जूते खोले हुए हैं और यहाँ हम लोग भी अपना जूता निकाल कर ही ऊपर जाएंगे, चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया चप्पल जूते नीचे खोल दें। तो हम लोग ऊपर आ गए हैं और आपको दिखाएंगे ऊपर से घूम घूम कर कैसा दिखता है, कैसा जगह बनाया गया है यहाँ पर घूमने के लिए। देखिए बहुत सारे लोग सबसे ऊपर जाकर अपना फ़ोटो निकाल रहे हैं। और देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से इसका लुक कितना नजर सुनहरा दिखता है, कितना प्यारा दिखता है। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे का लुक कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से ऊपर से। हालांकि शाम होने को आ गया है लेकिन फिर भी लोगों की तादाद जो है यहाँ पर घूमने के लिए बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं सामने से अभी भी लोग आ रहे हैं मंदिर में घूमने के लिए। और हम लोग अब यहाँ से निकलने वाले हैं और बाहर का लुक आपको दिखाते हैं, क्योंकि बाहर भी बोटिंग का व्यवस्था किया गया हुआ है जो कि आप लोग को हम दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें।
तो देखिए राहुल बाहर निकल गए और हम लोग बाहर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ से आप लोग अपना शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों का, गिफ्ट आइटम का वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ मिलते हैं यहाँ पर। अधिकांश चीज़ आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मिलेंगे और नेचुरल चीज़ें मिलेंगे, जैसे लाइक लकड़ी के बनाए हुए चीज़ें मिलेंगे। कर रहे हैं, खैर हम लोग भी गए हुए थे लेकिन फ़ोन हाथ से ना छूट जाए, इस वजह से वीडियो नहीं बनाया है उसमें। और अब हम लोग जाएंगे अपने बाइक के पास यहाँ से निकलने के लिए। शाम हो चुकी है और हम लोग को घर जाने में बहुत देर लगेगा, तो अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए हम लोग के साथ इस चैनल पर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की नई अपडेट आपको मिलती रहे और नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।